नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा जॉब्स में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन ने जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर 56 पोस्ट है, जिसमें क्लर्क का 13 पोस्ट है जिसकी सैलरी 21,559 रुपए है, बैंक असिस्टेंट का 34 पोस्ट है जिसकी सैलरी 25,595 रुपए है, असिस्टेंट मैनेजर का 2 पोस्ट है जिसकी सैलरी 17,522 रुपए है, असिस्टेंट मैनेजर कम कैशियर कम सुपरवाइजर का 2 पोस्ट है जिसकी सैलरी 19,047 रुपए है, अकाउंट्स असिस्टेंट का 1 पोस्ट है जिसकी सैलरी 25,640 रुपए है, जूनियर असिस्टेंट का 2 पोस्ट है जिसकी सैलरी 28,708 रुपए है, फील्ड सुपरवाइजर मेल का 1 पोस्ट है जिसकी सैलरी पहले 3 साल में 20,000 रुपए और उसके बाद 25,068 रुपए है, और जूनियर असिस्टेंट फीमेल का 1 पोस्ट है जिसकी सैलरी पहले 3 साल में 20,000 रुपए और उसके बाद 24,968 रुपए है। अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल मैट्रिक्स देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएट हों और आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 1 जनवरी 2020 को बेस मानकर काउंट होगी और आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए फीस 40 रुपए और बाकी कैंडिडेट के लिए यह 200 रुपए है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप होगा आपका 4 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच, फीस पेमेंट होगा आपका 4 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप एग्जाम से 1 वीक पहले, और एग्जाम का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम, प्रैक्टिकल टेस्ट और वाइवा टेस्ट होगा। यहाँ पर स्टेज 1 में पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम का होगा, जिसमें 100 एमसीक्यू होगा 100 मार्क्स का, और इसके लिए आपके पास 90 मिनट का समय होगा, और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा। पेपर 2 में इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और यह 50-50 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, और जो कैंडिडेट पेपर 1 क्लियर करेंगे उनको कंप्यूटर टेस्ट और वाइवा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट यहां पर 50 मार्क्स का होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और वाइवा टेस्ट यहां पर 15 मार्क्स का होगा और इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड्डा जॉब्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।